हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आईएसएल के कुछ ट्रांसफर न्यूज के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं चेन्नईयन एफसी की। दोस्तों, चेन्नईयन एफसी ने अपने मेन डिफेंडर इनिगो कैल्डेरॉन को रिलीज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम सही खबर है कि चेन्नईयन एफसी ने अपने डिफेंडर इनिगो कैल्डेरॉन को रिलीज कर दिया है। इनिगो कैल्डेरॉन 2 साल से चेन्नईयन एफसी से जुड़े थे और आईएसएल 4 में इन्हें फिटेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था, पर अब ये चेन्नई में नहीं खेलेंगे आईएसएल 5 के बचे हुए कुछ मैचेस, और ये ऑफिशियली कन्फर्म भी हो गया है। दोस्तों, दूसरी न्यूज है बेंगलुरु एफसी की। बेंगलुरु एफसी ने अपने भूटान के स्ट्राइकर चेंचो को नेरोका एफसी में लोन के तौर पर भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियली कन्फर्म हो गया बेंगलुरु एफसी के टीम से। दोस्तों, चेंचो ने कल सब्स्टिट्यूट से आके गोल मार के बेंगलुरु एफसी को जिताया था, पर उसके अगले दिन मतलब आज बेंगलुरु एफसी ने लोन के तौर पर नेरोका एफसी में ट्रांसफर कर दिया। तो अब चेंचो नेरोका एफसी में खेलेंगे। दरअसल नेरोका एफसी आई लीग की टीम है और इस साल के आई लीग के लिए चेंचो जुड़ चुके हैं नेरोका एफसी से। दोस्तों, चेंचो को हटा के बेंगलुरु एफसी ने एक नया स्ट्राइकर साइन किया है और वह है होला लुइसमा विला। जी हाँ दोस्तों, होला लुइसमा विला। लुइसमा विला स्पेनिश खिलाड़ी है और उनका उम्र है 29 साल। इन्होंने इंग्लैंड के लीग में 2 सीजन में 17 गोल दागे हैं और लालीगा भी खेला है। और हाला लुइसमा विला बेंगलुरु एफसी से खेलेंगे और इनका बेंगलुरु एफसी में जर्सी का नंबर होगा नंबर 9। दोस्तों, ये थी कुछ साइनिंग जो आज हुई है। दोस्तों, जनवरी विंडो ट्रांसफर का आखिरी दिन है, तो आज थोड़ा और साइनिंग हो सकता है, पर अभी तक जो साइनिंग हुआ मैंने उसके सारा न्यूज दे दिया है, और रात तक और साइनिंग होगी तो मैं उसका भी वीडियो दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।